दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं और इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने है, जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। इन सारे क्वेश्चन को जरूर रट लीजिए। जैसे कि फिजिक्स में मॉडल पेपर से ही सभी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग लगभग में, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देखिए। यह एक वायरल क्वेश्चन के समान ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज इस वीडियो में देखेंगे। महामैराथन के रूप में समझिए, सभी क्वेश्चन को आज इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है और आपको पता है कि 42 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि 42 का आंसर दे देंगे, किसी भी 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना है। दोस्तों, कमेंट फास्ट करते चलिए कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंकल तथा स्कॉट की दोष होते हैं, नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या फिर अणु दोष। आप सभी कमेंट दोस्तों फास्ट करते चलिए। इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा, क्रिस्टल दोष। ब्रेग समीकरण कौन सा है बताइए, एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, एन इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d या फिर एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते चलिए। समान ताप पर निम्न जलीय विलयनों में उच्चतम परासरण विलयन क्या होगा बताइए, दाब का मान आपको यहां पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को आप रट लीजिए तो आपको वो क्वेश्चन लगातार उसी तरह से सेम तरीका से पूछ सकता है। निम्न में से कौन सहजात गुण है, परासरणी दाब, क्वथनांक, दहनांक या फिर वाष्पन? तो दोस्तों, सहजात गुण हो जाएगा, परासरणी दाब सहजात गुण है। आगे बढ़ते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं कौन, विद्युत अपघटक, विद्युत अपघटक या फिर H2O का अणु या फिर तांबे का तार? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत अपघटक, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है, द्वितीय सेल है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। सभी क्वेश्चन को रिवाइज आप जरूर कर लीजिए अभी इसी वीडियो में। इस वीडियो के साथ आप बनते हैं तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। आपको जो है कुछ अभिक्रिया दी गई है, तो अब यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन रेट दिया गया है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा तभी यह निकलेगा। तो चलिए, हम यहाँ पर आगे बढ़ते चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो मतलब यहाँ पर SI मात्रक पूछा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो इसका हो जाएगा समय इन्वर्स, यानी कि 1/T हो जाएगा। आगे है, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर साधारणतः निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति। ए पर डिपेंड करेगा, ताप पर भी, उत्प्रेरक पर भी डिपेंड करेगा, सी पर डिपेंड नहीं करेगा। पेट्रोल में अपस्फोटरोधी कारक के रूप में थोड़ा सा टेट्रा एथाइल लेड जो है मिलाया जाता है, यह उदाहरण किसका है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऋणात्मक प्रेरक का। अगला है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम आप सुने होंगे, तो आयोडीन चूर्ण का इसमें प्रयोग होता है। सिनेबार क्या है, तो दोस्तों, पारा का अयस्क है सिनेबार, HGS हो जाएगा सही आंसर। अगला है, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, इससे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, रह सकता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए भी रह सकता है, IUPAC नेम रह सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में अभी मॉडल पेपर को देख लेते हैं। तो जिंक ब्लेंड का जो निष्कर्षण किया जाता है, फ्लेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो दोस्तों, ऑक्सीजन और ओजोन जो है अपर रूप है एक दूसरे का। आगे है, P4 में P बॉन्ड इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो यह बंधन का कोण कितना डिग्री पर होगा, तो दोस्तों, 60 डिग्री पर होगा। P से P के बीच जो ये कोण होगा, 60 डिग्री के बीच में होगा P4 में। निम्न में से कौन ऑक्साइड रंगीन होता है, रंगीन होता है,
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा NO2। निम्न में से किसका चुंबकीय घूर्ण सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा Mn2+ का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रॉस ब्रोंज तथा जर्मन सिल्वर में सामान्य धातु क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सामान्य धातु है। अगला है NiCO4, इसकी ज्यामितीय निम्नलिखित में से क्या होगी, ज्यामितीय संरचना क्या होगी? तो दोस्तों इसका ज्यामितीय संरचना हो जाएगा वर्ग समतलीय हो जाएगा NiCO4 का। Ni को बीच में रखिए, CO4 को आप लगा दीजिए चारों कोना पर, तो ये वर्ग समतलीय हो जाएगा। अगला है CONH3 का होल 6 × Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीन जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद है EDTA का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, EDTA का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑक्सीकरण संख्या 6 हो जाएगा। अगला है क्लोरोफॉर्म को जलीय विलयन जलीय NOH के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा HCOONA बनेगा, सोडियम आइसोसायनाइड। आगे बढ़ते हैं, DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? DDT बनाने में तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला है अभिक्रिया CH3CH Cl2, यह KOH एक्वस जब उपस्थित रहता है तो उत्पाद में क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा CH3COH बनेगा। अगला है आइसोप्रीन आइसोसायनाइड बनाया जाता है, तो बताइए HI की अभिक्रिया से प्रोपेन पर, प्रोपीन पर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल पर या फिर ग्लिसरॉल पर, किस पर बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोपीन पर, HI की अभिक्रिया प्रोपीन से करवाई जाती है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाता है। अगला है प्रतिक्रिया, तो दोस्तों इस तरह से जब दिया हो तो समझ लीजिए इसमें कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, इसकी उपस्थिति में उत्पाद क्या बनाएगा? तो दोस्तों 5 कार्बन है यहाँ पर छिपा हुआ, एक यहाँ पर, तो 4, 1, 5 कार्बन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा Pent1ol बनाएगा। अगला है ये आपका बेंजीन है और बेंजीन से जुड़ा हुआ है COCl+H2O, इससे अभिक्रिया करता है, तो बताइए उत्पाद क्या बनाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर का, C6H5 तो रहेगा ही, CHO बना लेगा, तो यहाँ पर जो जुड़ जाएगा CHO जुड़ जाएगा, डी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, क्या है हिंसबर्ग अभिकर्मक? तो दोस्तों इसका आंसर कन्फ्यूजन में है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है बेंजीन से NH2, ठीक ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर से ये बनाता है NO, तो बताइए ऑक्सीकारक यहाँ पर X क्या है, किसके साथ यह जो है मतलब ऑक्सीकारक यहाँ पर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको H2SO5 हो जाएगा। एमीन दिखाता है, एमीन क्या दिखाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है, मेटामेरिज्म दिखाता है, क्रियात्मक आइसोमेरिज्म भी दिखाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। कमेंट करते चलिए दोस्तों, लाइक करते चलिए, कमेंट करते हैं तो आपका क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और बढ़िया से याद भी रहेगा। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2 समूह होता है और सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। अगला है आपका, निम्न में से कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा H2CNH2COOH, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है टेफ्लॉन प्लास्टोरिन तथा न्यूप्रोइन प्रोपीन सभी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सम बहुलक है, ये सभी क्या है, सम बहुलक है।
अगला है आपका क्लोरोमाइटेसिन सेटिन जो है इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड के रूप में किया जाता है। अगला है क्लोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों Hg2Cl2 होता है, क्लोमेल केलोमेल होता है, केलोमेल पढ़ते हैं, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ए नंबर का। आगे है निम्नलिखित में से किसकी आकृति वर्ग तलीय होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा XeF4 का, बी नंबर का सही जवाब। आगे है इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा चांस है पूछे जाने का। निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है, तो दोस्तों ट्रांजेक्शन एलिमेंट में से है किसका त्रिज्या सबसे कम होगा, तो दोस्तों Zn का त्रिज्या सबसे कम होगा। अगला है संक्रमण तत्वों का सामान्य रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। संक्रमण जो ट्रांजेक्शन एलिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हो जाएगा N-1, ये हो जाएगा D1, इसमें जो है 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाद NS में जो है S ऑर्बिट में 0 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन चमड़े पर काला धब्बा पैदा कर देता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा NaNO3। आगे है NiCO4 का IUPAC नेम क्या होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लीजिए, जरूर देख लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए इसका। देखिए क्या हो जाएगा टेट्रा, यहाँ पर क्या है 4CO है, तो टेट्रा कार्बो हो जाएगा, टेट्रा कार्बो, उसके बाद Ni है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर जीरो लगाना है, जीरो क्या है इसका ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या जीरो है, तो जीरो को आपको लास्ट में कोष्ट में लिख देना है। आगे है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था में से में बताइए कि क्या हो जाएगा, तो अभी ऊपर पड़े हैं जीरो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी नंबर का जीरो हो जाएगा। चलिए दूसरा पेपर को देखते हैं, तो दोस्तों मॉडल सेट यहाँ पर दो आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, रवा कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों नॉन स्टॉप है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें आपको जो है 4 सेट अभी करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। रवा कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों रवा के यहाँ पर प्रकार पूछा गया है जो कि केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रवा जो होता है ये आपका 4 प्रकार के होते हैं, रवा 4 प्रकार के होते हैं। अगला है H2O यानी कि बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए 1 फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमेशा के लिए याद रखिए 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फैराड। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहा जाता है। प्रबल विद्युत अपघटय में लैम्डा एम का मान क्या होगा दोस्तों, तो लैम्डा एम का मान तनु करने पर बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण होता है, तो रासायनिक अधिशोषण क्या हो जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, रिवर्सिबल अभिक्रिया, सॉरी रिवर, ये जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल होता है सर। आगे बढ़ते हैं, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होगा, तो दोस्तों लोहे का मुख्य अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, पैराइट भी है, लेकिन मुख्य अयस्क आपको हेमेटाइट हो जाएगा Fe2O3। किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, किसका सांद्रण किया जाता है, तो दोस्तों चुंबकीय कण जो होते हैं, चुंबकीय कण वाले गुण का जो भी अयस्क होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस द्वारा सांद्रण किया जाता है। कॉपर मोटे में होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा Cu2S हो जाएगा तथा FeS हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के
ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त और कौन से तत्व होते हैं? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है आवर्त सारणी से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस होता है, जो नाइट्रोजन के अलावे फास्फोरस होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला है जिंक है, तो जिंक क्या है दोस्तों? जिंक हो जाएगा आपका संक्रमण तत्व, हो जाएगा ट्रांजेक्शन एलिमेंट। Mn3+ बताइए ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकारक है यह, एक क्या है ऑक्सीकारक है, तो यह क्या होगा? तो दोस्तों यह जो है खाली डी समकक्ष के कारण होगा, किसके कारण? डी कक्ष जो होगा उसके कारण यह खाली होगा, ऑक्सीकारक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसका IUPAC नेम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य धातु कौन है? ZN है, क्या है? ZN है, तो जिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर B होगा या फिर C होगा, इतना तो कंफर्म आप हो गए हैं। इसके बाद देखिए जिंक, यहाँ पर पोटासियम 2 है, तो डाई क्या हो जाएगा? जिंक डाई हाइड्रोऑक्साइड, यहाँ पर क्या है? जिंक डाई हाइड्रोऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह से इसका बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन के द्विबंध का पता लगाने को मिलाते हैं, एल्कीन के द्विबंध का पता लगाने को क्या मिलाते हैं? तरल CO2, तरल Br2, तरल क्लोरीन या बेयर प्रतिकारक? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तरल Br2 ब्रोमीन का यूज करते हैं। अगला है त्रिविमीय समावयवता, जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहा जाता है इस दर्पण प्रतिबिंब को प्रतिबिंब रूपता कहा जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके डैश देता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फॉस्जीन गैस देता है। अगला है अल्कोहल और फेनॉल बनाने में एल्केन एवं एरिन का एक हाइड्रो किससे विस्थापित हो जाता है? तो दोस्तों इसमें HO से विस्थापित होता है, इसका सही आंसर B हो जाएगा। ग्लिसरॉल होता है यह क्या है? तो दोस्तों यह हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, C नंबर का सही जवाब हो जाएगा। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होता है? तो दोस्तों बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फेनॉल होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका IUPAC नेम आपको पूछा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 2,5-dimethylphenol हो जाएगा, ठीक ना, 2,5-dimethyl, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मिथाइल है, तो 5 पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप गिनती कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 पर, ठीक, तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर का। अगला है क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देगा? क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देगा? तो दोस्तों इथेनेमिन देता है। अगला है एमाइड LiAiH4 जो होता है यह अवकृत होकर क्या देता है? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है मॉडल पेपर से पूछा जाता है, तो इतना क्वेश्चन को आप अभी ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए। तो दोस्तों एमाइड इससे जो है अवकृत होकर के एल्किल एमीन देता है। अगला है HCOOH का IUPAC नेम क्या होता है? तो दोस्तों एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कार्बन है ना, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इथेन डाइओइक अम्ल होता है। अगला है मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CH3CN होता है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र। आगे बढ़ते हैं, साधारण कार्बोलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, तो बताना है क्यों घुलनशील होता है, उसके बीच क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन बंध होता है, जो टूटता है आयनों में और घुलनशील हो जाता है। फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, C6H12O6 हो जाएगा। अगला है
कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर के 3 से 10 मोनोसेकेराइड्स बनाता है उसे आप क्या कहेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे। अगला है, एमिनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला सिंगल बॉन्ड COOH और दूसरा जो होता है वह क्या होता है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं? दोस्तों अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन कहा जाता है। पॉलीथीन का बहुलक कौन है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का बहुलक कौन होता है? तो एथीन हो जाएगा। रबर स्टार्च या रबर स्टार्च, उसके बाद है सेल्यूलोज एवं प्रोटीन जो है यह क्या है? तो दोस्तों यह जो है प्राकृतिक पॉलीमर है, हमेशा याद रखिए प्राकृतिक पॉलीमर है ये सभी। उसके बाद है ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, एक प्रकार का रबर है, बताइए कौन सा रबर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संश्लेषित रबर। अगला है, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ज्वर हारी कहा जाता है। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एस इनवर्स होता है, सी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आर्हेनियस इक्वेशन कौन सा है? दोस्तों आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू होता है ए इंटू एक्सपोनेंशियल ई पर पावर, एक्सपोनेंशियल पर पावर हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी होता है, ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार दोस्तों ये पूछा भी जा चुका है, ग्लूकोज का एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन को उत्प्रेरित करता है, कौन करता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा जाइमेस करता है। अगला है, अभिक्रिया स्टार्च प्लस जल मिला करके माल्टोज का निर्माण करता है, तो बताइए एंजाइम इसमें कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा जाइमेस हो जाएगा, बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रक्टोज जो हो जाएगा मीठी शर्करा हो जाएगा। आगे है, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथिल रबर हो जाएगा, ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, फिनॉल क्या है? तो दोस्तों फिनॉल जो हो जाएगा आपका डी साइनफेक्टस हो जाए, फैक्टेक्ट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा, डिसइनफेक्टेंट हो जाएगा, सी नंबर का सही जवाब फेनॉल। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी 84 क्वेश्चन को देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है जिसमें हम 84 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, पक्का दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। फिजिक्स में आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग फिजिक्स में 12 से लेकर के कम से कम 16 क्वेश्चन पूछा गया, 12 से 16 क्वेश्चन, सोच सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 42 में से 30 प्लस सही हो जाता है और उधर आपका जो है लगभग अगर बात करें 20 भी आ जाता है, प्रैक्टिकल आपका 25 भी आ जाता है, तो देखिए 30, 20, 50, 25, 75 मार्क्स आप लोगों का वैसे ही आ जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।